रोका पिटी की आवाज कैसे आ रही है? वाले दरवाजे पे खड़ी रहे और हाँ ध्यान से कोई देख ना ले, समझी? अब तेरी सांस आने के पहले यहां से जाओ, जल्दी जा। राशि, शोर कैसा था? जी वो मैं शीरे में डालने के लिए मेवा और इलायची कूट रही थी। राशि बहन, आप ये सब क्यों कर रही हो? और ये सब हम कहाँ रखेंगे? इसे हमें कहीं रखना नहीं है, इसका हम सत्यानाश करेंगे, समझी? रुको, मुझे उर्मी बहन ने भेजा है। फिर तो आपको पता ही होगा कि क्या करना है। जी आइए। ये आवाज कहां से आ रही है? हाय हाय आशु, आप कौन है भैया? गोपी, अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोपी, क्या है ये सब? वो ये दरअसल ये सस्ती वाले बर्तन एकदम पतले जैसे, इसलिए इनके गिरने से गड्ढे पड़ गए। बकवास बंद कर, मेरी आंखें फूट नहीं गई है, सब समझ में आता है मुझे। ये गड्ढे गिरने से हुए हैं या जानबूझकर ठोकने से हुए हैं? सब समझती हूं मैं। गोपी बताओ, किसकी हरकत है ये? सच बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। बहरी हो गई हो क्यों? भैया, आपको किससे बुलाया मेरे घर में? गोपी ने। इनके पीहर में पुराने बर्तनों का लेन देन का काम वही करता था। मैं तुम्हें बताती हूँ कि भंगार में क्या बेचना चाहिए और क्या नहीं बेचना चाहिए। चल कोकिला, कोकिला, कोकिला रुको, कोकिला कोकिला, भगवान के लिए रुक। बस मोटा भाभी, हमारे बीच मत आइएगा। बा आप चल, तू आगे बढ़, आगे बढ़ और कबाड़ खोल। मायके का भंगार निकाल। एम शू जुए छे, हाँ? मेरे पास समय नहीं है, जल्दी कर।
अरे वाह, भंगार को तो 7 ताले में बंद करके रखती है और नए बर्तन को भंगार बनाकर घर के बाहर निकालती है। अब तू रहने दे, ये भंगार मैं निकालूंगी। दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ ना, पर तुम्हें तो बहुत शौक है अपने पियर के भंगार वाले को बुलाकर सासरा लुटाने का। तो अब तू देख कैसे मैं तुम्हारे इस दहेज को भंगार बनाकर फेंकती हूँ। कोकिला, गोपी क्यों रो रही है तू? देख सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है। मुझसे ये सब नहीं होता। नहीं होता तो निकल जा। क्या मतलब? देख गोपी, तू ये घर छोड़ के जाना चाहती थी ना, तो छोड़ दे ना, चली जा। देख मैं वही कह रही हूँ जो तू सुनना चाहती थी, जो तू चाहती थी। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तू जल्दी यहां से निकल। देख यही सही वक्त है। अब मैं यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकती। हाथ आगे बढ़ाओ, खोल। रिश्ता।